नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क जो एक फूड सर्विसेज कंपनी है, इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडिया के लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी है और इस कंपनी लगातार लगातार खुद को बिजनेस को ग्रोथ भी करा रहा है और एक अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो कंपनीज में कुछ वीकनेस भी है, कुछ मतलब पॉजिटिव बातें भी है और इसका विजन भी बहुत क्लियर हो चुके हैं। तो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलने के लिए। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स दिया जाएगा, जिस अपडेट के माध्यम से आप खुद का स्टडी कर सकते हैं, खुद को मतलब इनडिपेंडेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बना सकते हैं, जिसके लिए सारे अपडेट्स मैंने आपको नीचे मेंशन किया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में। तो आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो मेन ब्रांड है वो है डोमिनोस पिज्जा। आप सभी जानते हैं डोमिनोस पिज्जा कितना ज्यादा मतलब लोग जानते हैं। इस कंपनी के जो पिज्जा है वो ज्यादा से ज्यादा लोग यही जानते हैं कि डोमिनोस का जो पिज्जा है वो एक अलग लेवल का प्रोडक्ट है। और पिज्जा आप सभी जानते हैं 30 मिनट्स में अगर पिज्जा ना मिले तो आपको मतलब फ्री में पिज्जा मिलेगा। ये जो कैंपेन कंपनी ने लॉन्च किया और इस लॉन्च करने के बाद इस पिज्जा डिलीवरी का जो डिलीवरी के जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा बढ़ने लग चुके हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया गया था कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस आप देखेंगे तो कंपनी 11,500 मिलियन यहाँ पे इंक्रीज कर चुके हैं 12.9 मतलब वेरियस ऑफ द पीरियड ईयर। तो डोमिनोस के जो पिज्जा है वो ऑब्वियसली बहुत हाई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बन रहा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वो पर ईयर में सेल भी कर रहा है। और आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट गया उसके एक रिपोर्ट आया था कि ऑल टाइम्स रिकॉर्ड 80 न्यू डोमिनोस स्टोर ओपन, और वो भी इतने ज्यादा स्टोर कंपनी ओपन किया है, जिस ओपन करने के कारण कंपनी के जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो और भी बढ़ चुके हैं और इसीलिए कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी के देखिए कुछ पॉइंट वीकनेस है, जैसे कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है और कंपनी का कर्जा भी ज्यादा है। और कंपनी देखिए सारे मतलब एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद आरओसी आरओई बेस्ट दिख रहा है, इनकम भी अच्छा खासा हुआ, हाथ में कैश भी है और कंपनी का जो डेट ऑफ डे है वो 2 डेज है। यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट लगा कि कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो नेगेटिव में चला गया। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का डेज पेबल बहुत ज्यादा है और कंपनी का इन्वेंटरी डे भी मतलब 50 डेज लग रहा है और कंपनी के डेज पेबल मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो 2 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये सारे चीजों के कारण कंपनी में ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे कंपनी हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करते चले गए। 2020 में 388 करोड़ का सेल्स था, 2021 में जून क्वार्टर में 893 करोड़ का सेल्स हुआ और 2022 में 1255 करोड़ का सेल्स हुआ और 2023 में 1335 करोड़ का सेल्स हुआ। इसका मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो एक टाइम नेगेटिव में था वो बढ़ते बढ़ते आज प्रॉफिट में चला है। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि कंपनी का जो इनकम हुआ उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो चुके थे, जिसके चलते कंपनी का इनकम में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अभी इसी चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तब देखेंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे कंपनी का जो कर्जा है वो लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में लिया गया, कोविड के बाद ही कर्जा लिया गया और पहले 1 रुपया भी कर्जा नहीं था और कंपनी के पास रिजर्व भी देखिए धीरे धीरे करके बढ़ा, मगर रिजर्व से भी कई गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी 184 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं, मतलब प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। तो जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा और कंपनी जो कर्जा उठाया
उसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कैश जो इक्विपमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, और इन्वेस्टर के मतलब इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो इन्वेंटरी भी बढ़ाया 177 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। और रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे उससे पहले कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक धीरे धीरे करके होल्डिंग को उठा जा रहा है। 26 सितंबर और 25 सितंबर में अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया था, जंप इन डिलीवरी में यहाँ पे डिटेल्स दिखाया गया। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न मैंने आपको एक मेंशन किया, मैंने खुद यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स जो बना, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद इस जगह पे मैंने एंट्री लिया हूँ। तो मेरे मुझे लगता है थोड़ा सा इस तरीके से परफॉर्मेंस करके कंपनी टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर टारगेट अचीव करे तो 20% के आसपास टारगेट बन सकता है, और मेरे हिसाब से टारगेट जरूर बनने के चांसेस भी है, क्योंकि कंपनी के जो प्रीवियस स्विंग हाई है, एक स्ट्रांगली स्विंग हाई और एक रेजिस्टेंस है, उसको उसके नीचे एंटी बना है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को अचीव करेगा। देखिए फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होता, मैं हम ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 100% टारगेट मिलेगा ही करके। तो एक प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा है तो टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है SRF। देखिए SRF इंडिया के एक सबसे बड़ा केमिकल सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी पैकेजिंग से लेकर एल्यूमिनियम फॉइल से लेकर एंड अदर्स पॉलीमर प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, और इसका मेजर जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है, जो टेक्सटाइल के ऊपर भी यूज किया जाता है। तो कंपनी खुद का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और खुद सेल करते हैं। तो कंपनीज के जो मार्केट कैप है वो 66,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का खासियत मुझे यही लगा कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और खुद सेल कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो खुद कर लेते हैं मगर सेल्स दूसरे कंपनी को वो कर रहे हैं। इसका मतलब दूसरे कंपनी का बी टू बी मॉडल का बिजनेस है, और जो SRF का जो मॉडल्स है वो B2C का मॉडल्स है, मतलब डायरेक्ट वो कंज्यूमर को कस्टमर को माल बेच रहा है। तो इसमें एक ग्रोथ और पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो खुद के प्रोडक्ट कितने दामों में बेचेंगे उसके बीच में कोई अलग कंपनी नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 34 के आसपास है, ROC ROE तो बेस्ट है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 के आसपास है, और एनुअल इनकम भी बहुत शानदार है, डेप्थ ना के बराबर है, और फ्री कैश फ्लो 49 के आसपास देखने को मिला। डेटोस जो डे है वो 43 के आसपास है, अर्निंग पर शेयर जो है वो 64 के आसपास है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँ, सारे पैरामीटर्स कुछ अलग लेवल का पॉजिटिवली देखने को मिला, मगर एक वीकनेस अभी भी है कंपनी के ऊपर। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखेंगे तो मतलब लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इस कम होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। दो पॉइंट्स के कारण कम हो रहा है, पहले तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरी पॉइंट ग्लोबली मार्केट में डिमांड कम हो चुके हैं। ये दोनों कारण के वजह से केमिकल सेक्टर के प्रोडक्ट का डिमांड घटने के कारण शेयर में एक प्रेशराइज देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया, आप देखेंगे तो कंपनी कैपेक्स को भी बढ़ाने वाला है। ऑन गोइंग कैपेक्स प्रोजेक्ट इन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड आप देख सकते हैं फ्लोरो केमिकल्स बिजनेसेस टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड ग्रो पोटेंशियल, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। और आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑन ट्रैक, मतलब एल्यूमिनियम जो फॉइल प्रोजेक्ट है इसका प्रोग्रेसिंग चल रहा है। तो कंपनी 2024 क्वार्टर थ्री के पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को वो सक्सेसफुली कस्टमर को बेसिस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो देखिए कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो सारे चीज आपको हमेशा कंपनी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न वो जनरेट करके दिया। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिए डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो जब कोई कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बहुत ह्यूज क्वांटिटी के साथ डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें चल रहा है। तो वो पॉजिटिव बातें कहाँ पे दिखेगा, देखिए मैंने एक आपको मेंशन भी किया था कि एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बार इसी रेंज को वो बहुत बार फेस किया और मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे टारगेट बना, फिर से यहाँ पे एंट्री बना और मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ पे बार बार इसी लेवल्स को टच करके वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब जब वो ने
फेस किया तब तक उसके करेक्शन हुआ। एक चीज अब आपको बता दूं, यहाँ पे जो फेस हुआ उसके बाद जो करेक्शन हुआ, मुझे देखना है कि इस लेवल से वो ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो एक पॉसिबिलिटी मतलब पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से जरूर देखूंगा, क्योंकि यहाँ से कंपनी का हायर लो मतलब यहाँ पे जो लो बनेगा वो हायर लो बनेगा। जब हायर लो बनाते आगे आगे बढ़ेंगे कंपनी तो एक पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूसली वो आप जर्नी में ही जाएगा। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा और स्टडी करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन है आपने कुछ डिसीजन लिया तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं जितनी चर्चा करूँ उतना कम है, क्योंकि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और जिस तरीके से काम कर रहा है मेरे हिसाब से बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। और IGL की खासियत ये है कि IGL जो PNG गैस है, जो PNG गैस है मतलब पाइप नेचुरल गैस है, पाइप्स के माध्यम से हर घर घर तक कंपनी गैस गैस को पहुंचा रहा है मतलब नेचुरल गैस को पहुंचा रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बनने वाला है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो गाड़ियों से लेकर मतलब घरों तक हर जगह में यूज़ किया जाता है, और कंपनी अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जगह पे बिजनेस को फैला कर रखा, जैसे नोएडा हो गया, ग्रेट नोएडा हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो पी रेशियो एकदम देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो टोटल हाई पी रेशियो था 44, अभी करंट पी रेशियो है कंपनी का 21, तो ओवरऑल 27 के आसपास इसका पी रेशियो देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर ROC ROE बेस्ड है और कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी के डेटोस जो डे है, डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 23 के आसपास देखने को मिला। तो जितने सारे नया इन्वेस्टर है उनके बारे में बात करूँ तो डेटोस डे का मतलब क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी जो बिजनेस के लिए पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया वो पैसा कितने दिनों तक घूम फिर कर हाथ में आ रहा है, प्रॉफिट हो लॉस में लॉसेस में हो कुछ भी हो हाथ में पैसा कब आया, तो वो दिनों को कहा जाता है डेटोस डे। यहाँ पे 23 दिन लग रहा है कंपनी का हाथ में पैसा आने के लिए। तो कंपनीज के जो सेल्स का रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो क्वार्टरली कंपनी अलग लेवल का सेल्स किया, पिछले बार के तुलना से कंपनी इस बार ज़्यादा सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया और कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पे हाइस्ट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। जब सारे चीज हाइस्ट में और बेस्ट में हो रहा है तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद FIs, TS और पब्लिक और गवर्नमेंट, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठा कर रखे हैं। और मजेदार बात है यहाँ पे जो 45% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है, यहाँ पे 22.5% गेल इंडस्ट्रीज के पास और 22.5% BPCL के पास होल्डिंग है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट है। तो कंपनीज के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर उतना खास डिलीवरी नहीं उठाया गया। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, तो मैंने इस जगह पे एक ट्रेल लिया हूँ और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ मैंने एंट्री लिया और इस जगह पे अगर कोई भी एंट्री लेवल कन्फर्म होगा मतलब एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कम्पीट हुआ तो एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद एक धमाका टारगेट मिल सकता है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ एक बड़ा एंट्री लेने के लिए, और यहाँ पे मैंने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री लिया हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा लॉस भी हुआ तो मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर लूंगा इसके नीचे। तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम किया हो, जब काफ जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है वो कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा सा एंट्री जोड़ लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी बनने जा रहा है, और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट जो आया वो अपडेट क्या है, बोनस देने का। कंपनी हर एक शेयर में कंपनी आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से देंगे, इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पज में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है आपका जो एडवाइजर है उसके मतलब उसके साथ डील मतलब उसके साथ बातचीत करके ही आप काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।